उदाहरण 27, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 4/3 व 7/3 हो। हल, मूल ज्ञात होने पर बनने वाले द्विघात समीकरण के लिए हम जानते हैं कि इसके लिए सूत्र है x की घात 2 ऋण मूलों का योग, जिसे हम कोष्ठक में रखेंगे और बाहर होता है x गुणा x धन मूलों का गुणनफल। बराबर 0 या x की घात 2 ऋण। हमारे पास जो मूल 2 दिए है वो 4/3 है और 7/3, और हमारे पास कोष्ठक में जो सूत्र में है मूलों का योग है, तो हम कोष्ठक में लिखेंगे 4/3 धन 7/3 कोष्ठक में के बाहर x धन मूलों का गुणनफल जो है, तो हमारे पास मूल है 4/3 और गुणनफल है तो मूलों का गुणनफल है तो गुणा 7/3 बराबर सूत्र में 0 है तो बराबर 0 या x की घात 2 ऋण 4/3 धन 7/3 का योग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 11/3 x धन 4/3 गुणा 7/3 का मान होगा 4 × 7 = 28। अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे तो 3 × 3 = 9 बराबर 0। इसको और हम आगे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लघुत्तम, हम जब निकालेंगे यहाँ पे तो लघुत्तम यहाँ पे आएगा 9, यहाँ बटा 1 है तो 9 को 1 से भाग करेंगे तो 9 गुणा 1 9 x की घात 2 ऋण 9 को 3 से भाग करेंगे तो 3 और 3 को 11 से गुणा करेंगे तो 33 x धन 9 को 9 से भाग करेंगे तो 1 और 1 को 28 से गुणा करेंगे तो 28 बराबर 0। उसी तरह से इसे आगे जब हम कल हल करेंगे तो 9 को जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 को 0 से गुणा करने पर हमें 0 प्राप्त होगा, जिससे हमें समीकरण 9x की घात 2 ऋण 33x धन 28 बराबर 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 तिर्यक गुणा यहाँ पे होगा। इस तरह से हमने समीकरण द्विघात समीकरण ज्ञात किया 9x की घात 2 ऋण 33x धन 28 बराबर 0, यह इस उदाहरण का हल है।